तो ये सफेद गुदा चकोतरा है, ये नींबू की मतलब नींबू की प्रजाति है ना, ये नींबू प्रजाति। ये सब मतलब विदेश से आई है क्या यार? नहीं, अपने यहाँ के। कौन सी आलू इसमें, क्या मतलब हेल्थ वाइज क्या इसमें होता है? आपकी कमजोर है साथियों, एक बार खुले में आपसे चाहूंगा, आप अपने स्थान से ही दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो रहे हैं। तो गाइस इस एग्जीबिशन में बहुत सी अद्भुत अद्भुत चीजें यहाँ पे दिख जाती हैं। देखिए यहाँ पे देशी पान आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, मैं तो कभी नहीं देखा था, बचपन से हमारे घर में पान वगैरह खाते हैं, बट इतना छोटा पान तो कभी नहीं देखा था, बहुत ही छोटे छोटे हैं भाई। वाह भाई वाह, यहाँ देखिए ये पोटैटो की वैरायटी देखिए। तो गाइज हमारा सर्च यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने भी इस बार मूली वगैरह का जो रोपण किया था उसमें से जो मूली हुई थी गाइज, उसका सीजन के बाद यानी लगभग 2 से 2.5 महीने के पश्चात उसमें बहुत अंदर से खोखलापन आ गया था। बट गाइज यहाँ पे जो मूली रखी हुई है बहुत ही बड़ी और बहुत ही ह्यूज वाली है, ये देखिए अब इसके अंदर खोखलापन है कि नहीं ये कैसे पता किया जाए? तो इसको यहाँ से देखिए काट के भैया रखे हुए हैं। हाँ गाइज ये तो मामला वही है, एक्चुअली मैं उठा सकता नहीं हूँ, आपको क्लोजअप से दिखा देता हूँ। ये वाइट वाइट सा, ये सब बीट रूट्स हैं गाइज, ये सब चुकंदर आप जानते ही हैं। यहाँ पे एक्चुअली जब भी देख रहे हैं कोई चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के साथ रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा, बट बात करने पे लग रहा है कि अपने कंट्री की है, देसी ही है, टोटल देसी है। हाँ प्रदीप आ गए, प्रदीप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाली, आइए जरा सीधा। इसका इतना बड़ा होने के रीजन ये है, डूढ़ी बोया गया है। अच्छा अच्छा, जब डूढ़ी जब होती है माटी होती है। कोई भी इंसान है जैसे मोटा हो गया उसके अंदर ताकत नहीं, चर्बी जैसे भर जाती है ऐसे इसके अंदर। इसका यूज क्या रह गया फिर, इसका यूज क्या रह गया? यूज है जैसे आप अचार बनाने में आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें प्रयोग करने से खाने के योग्य नहीं रहेगा। अच्छा खाने के योग्य नहीं है, अचार के रूप में प्रयोग। तो गाइज प्रदीप की इस ईमानदारी के लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिलहाल गाइज यहाँ पे जो मूली रखी हुई है वो ज़्यादातर खोखली हो चुकी है, बट यार ये प्रथम किस आधार पे दिया गया है? नहीं, आलू तो गाइज यहाँ पे सबसे नहीं, बड़ी ये वाली है, ये देखिए ये सबसे बड़ी है, बट इसको फर्स्ट मिला। सफेद आलू है, लाल आलू है, इसका इसका नंबर संख्या दूसरा है, विभाग नंबर में है 182 में। अब इसका देखिए 183 है, अब जो कंपटीशन लड़ा हमारा 82 हुआ है। अच्छा ये सब मतलब विदेश से आई है क्या यार? नहीं अपने यहाँ के। कौन सी आलू इसमें, क्या मतलब हेल्थ वाइज क्या इसमें होता है, ये हम जानना चाहते हैं। वैरायटी होती है जैसे सफेद आलू होती है, आगरा होती है, आगरा बोली होती है। अच्छा। साथ साथ लंबी होती है जैसे 707 है, यहाँ देखिए यहाँ छोटी होती है, यहाँ पे भी गोला लंबी साइड में होती है। जैसे 707 आलू होती है, तनको भी कटन होता है, तुरंत सड़ना चालू होता है 707 में। डीपोर का टाइट होता है तो जल्दी नहीं सड़ता है। अच्छा अच्छा, डीपोर और आगरा। अब यहाँ पे देखिए ये जैक फ्रूट है ना, ये कटहल कटहल है, ये कद्दू के देखिए वैरायटी एकदम अलग ही लेवल का है। लौकी की इसमें लग रहा है कि कुछ क्रॉस ब्रीड्स है। हाँ भाई ये तो बहुत ही स्पेशल टोमेटो है यार, वाह यार ये गाइस देखिए स्पेशल टोमेटो, ये तो एकदम अंगूर जैसे लग रहा है। इसका नाम भी है अंगूर, अंगूर होगा इस कुछ नाम है इसका। अच्छा अच्छा, अंगूरा टमाटर है, सब कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। बड़ा वाला लौकी होता है उसके बराबर सा हो गया है। लाल गुदा चकोतरा, तो भाई ये सफेद गुदा चकोतरा है, ये नींबू की मतलब नींबू की प्रजाति है ना, ये नींबू प्रजाति। अब जैसे मतलब इसका सफेद होता है, जो लाल गुदा होता है वो भी ऐसे होता है, इसके अंदर का लाल रहता है। ओके, सफेद गुदा है, इसका गद्दनुमा होता है, यहाँ खट्टा टाइप होता है। छीला जाता है जो रूटेस पाउडर, मौसघास होता है, 12 से 14 घंटा भिगोया जाता है, बिना छीला लगा के मौस घास लगे माना जाता है रूटेस पाउडर। अब जैसे उसका मतलब यह है जैसे आपको माता परांठे फल देने का योग हो जाता है, जो हमारे यह पौधा है फल देने के योग रहता है, तुरंत फल 6 महीने बाद फल आना चालू हो जाता है। क्या देखिए फल आ गए, बारिश चालू हो जाती है, इसलिए पन्ना भी बनी रहती है।
गाइस लगभग हो गया हम लोगों के यहाँ घूमते हुए 2 से 2.5 घंटे के आसपास। चाय का बहुत ज़्यादा तलब लग गया था गाइस, तो यहाँ पे आ गए थे भैया कि यहाँ शॉप पे, यहाँ पे नेचुरली हर चीज़ अवेलेबल है गाइस, लेकिन बट टेस्ट नहीं है। यहाँ पे आने के बाद चाय वाय मत पीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि घर से ही खा पी के आइएगा, मस्त घूम के जाइएगा। लेकिन अगर आपको इंजॉय करने की आदत है चाय, तो गाइस हमको किसी भी लेवल की मिल जाती है तो हम उसको नहीं छोड़ते हैं। मैं धीरेन कुमार पटेल, गाँव पुरी थाना मानधाता जिला प्रतापपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला। आप हर साल आते हैं यहाँ घूमने? हर साल आते हैं यहाँ प्रदर्शनी। अच्छा अच्छा, आप कुछ लगाते भी हैं प्रदर्शनी में कि क्या लगाते हैं? बेल रखे थे, आलू रखे थे। अच्छा, जो बेल बड़ा वाला बेल आपका ही था क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बेल था भाई आपका। रखे थे छोटी वाली मटर। अच्छा, उसे प्रथम आए हैं? पिछले साल भी 22 में भी प्रथम स्थान आया था मटर का, छोटी वाली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो जो प्रथम आए हैं उसमें आपको तो 1800-2000 रुपए मिल जाएंगे आराम से। 300 रुपए मिल रहे बस प्रथम वाले को। प्रथम वाले 300 रुपए, द्वितीय वाले 200 रुपए, और तृतीय वाले को 100 रुपए। जो है प्रोत्साहन है इसमें, केवल वही प्रमाण पत्र, केवल प्रमाण पत्र मिलेगा, तो इसमें तो आपको किराया भाड़ा भी नहीं निकलता होगा। लेकिन बस आप ऐसे ही शौक के लिए आते हैं। तो भाई आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है मोहम्मद कैफर। मोहम्मद? आप? सुनील सिंह। सुनील सिंह, मैं बॉम्बे से हूँ, बिलोंग करता हूँ। हाँ, मैं इधर आया था कंपनी गार्डन घूमने। क्या देखने आए थे यहाँ पे? एग्जीबिशन? कैसा लगा एग्जीबिशन आपको? बहुत अच्छा लगा, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो गाइज भाई ने हमें मुंबई तक का सफर तय करा दिया यहीं खड़े खड़े, और भाई जाएगा तो वहाँ पे और हमारे सब्सक्राइबर को इंक्रीज करेगा। ब्लॉग को देखा है भाई, कह रहे हैं भाई हम आपके फैन हुए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। गाइज हद होती है किसी चीज़ की, हद हद हद, मुझे पता है गाइज ये बहुत नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बट जान सूख रही थी। तालियां साथियों आपकी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में अपने स्थान से ही सम्मिलित होने के लिए। तालियों की धुन आपकी कमजोर है साथियों, एक बार पुनः मैं आपसे चाहूंगा आप अपने स्थान से ही दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स दोनों लोग आ गए, इन्हीं लोगों का चैनल है जिन्होंने ग्रो करके यहाँ तक हमें पहुँचा दिया, थैंक यू सो मच ब्रदर, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। मोहित क्या यार, वापसी